बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम स्कैनिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये लैपटॉप है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये स्कैनर है। तो जहाँ पर आप देखते हैं स्कैनर की यहाँ पर जो क्वालिटी है, इप्सन है। तो यहाँ पर जो स्कैनर की यहाँ पर जो सीरीज है L3116 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये स्कैनर इस वक्त ऑन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये देखिए ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को हमें स्कैन करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो स्कैनर का यहाँ पर आप देखते हैं ये इसका जो ढक्कन ओपन करना है, ठीक है। बिल्कुल ढक्कन मैंने ओपन किया है। अब यहाँ पर ये देखते हैं आप, ठीक है, ये स्कैनर का गिलास है, ठीक है। अब यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को मैं उठाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए डॉक्यूमेंट, ठीक तरह से देखिए, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट को मुझे इस पर रखना है, ठीक है, लेकिन उल्टा ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए आप, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर स्कैनर का ढक्कन मैं बंद करूँगा। स्कैनर का ढक्कन मैंने बंद किया। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अब मैं स्कैनर के एप्लीकेशन पर जाऊंगा। ये स्कैनर की एप्लीकेशन है, इप्सन की, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए ये स्कैनर की जो एप्लीकेशन ओपन होगी, ये देखिए आप, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट को हमें स्कैन करना है, तो स्कैन करने के लिए सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को मैं प्रीव्यू प्रोसेस में लूंगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रीव्यू टैब, ये देखिए प्रीव्यू टैब पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर प्रीव्यू स्कैन इन प्रोग्रेस, ये देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए इसका प्रीव्यू, जो मैंने अभी स्कैनर पर ये डॉक्यूमेंट रखा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, स्कैन टैब पर क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, स्कैन टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, अब स्कैनिंग की शुरुआत हुई है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको इस वक्त इस वीडियो में दिखाता हूँ कि लाइव स्कैनिंग यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रिंटर इस वक्त स्कैनिंग कर रहा है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो इस वक्त स्कैनिंग चल रही है इस डॉक्यूमेंट की, ठीक है। ये देखिए आप, तो स्कैनिंग यहां पर कंप्लीट हुई है। अब यहां पर जो ये विंडोज आप देखते हैं, इसको आपको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको इस क्रॉस बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको स्कैनर की विंडोज क्लोज करने, यहाँ पर आपको क्रॉस बटन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट को मैंने स्कैन किया, तो यहाँ पर इसका ये जो आइकन है, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, डेस्कटॉप पर, ठीक है। अगर यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को आपको एमएस वर्ड में लेना, यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कॉपी पर क्लिक करना है, ये देखिए कॉपी पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको एमएस वर्ड ओपन करना है, एमएस वर्ड ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं एमएस ऑफिस सबसे पहले ओपन करूंगा, यहाँ पर आप देखिए ये है एमएस ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एमएस ऑफिस के प्रोग्राम्स ओपन हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो एमएस वर्ड 2010, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जिस तरह से आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। डेस्कटॉप पर इसका प्रोग्राम आइकन होगा आपके सिस्टम पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंट आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, पेस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। पेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए आप, यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट का यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर कॉपी आई है, ठीक है। तो अगर आपको क्रॉप वॉप करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको फॉर्मेट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रॉप पर क्लिक करना है, ये देखिए क्रॉप, ठीक है, क्रॉप पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा आपको क्रॉप पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जिस एरिया को आपको अनवॉन्टेड एरिया को आपको क्रॉप करना है, यहाँ पर स्क्रीन प्रिंट रखना है, ड्रैग करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, अब यहाँ पर क्रॉप करना है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉप करना है, ये देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर इस साइड पर क्रॉप करना है, यहाँ पर स्क्रीन प्रिंटर रखना है, ओके। तो उसके बाद बाहर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए,
तो इस वीडियो में आपने सीखा है कि हम कैसे स्कैनिंग करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, चाहे आधार कार्ड है, चाहे कोई फोटोग्राफ है, चाहे सर्टिफिकेट है, चाहे मार्क्स कार्ड है। तो इस वीडियो में आपने देखा है कि कैसे हम स्कैनिंग करते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो उसके बाद आपको इसका प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर आपको फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट पर क्लिक करना है, ठीक है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका प्रीव्यू आया है, ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट पर क्लिक करना है, ठीक है। चलो कि यहाँ पर मैं प्रिंट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। प्रिंट पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप प्रिंटर से हम देखेंगे इसका प्रिंट, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए इस वक्त प्रिंटर प्रिंटिंग प्रोसेस में है, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसका प्रिंट आउट मैंने निकाला है, यहाँ पर आप देखिए इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। पहले उसको मैंने स्कैन किया, तो उसके स्कैन करने के बाद एमएस वर्ड में लिया, तो उसके बाद क्रॉप प्रोसेस किया, उसके बाद प्रिंट दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, हाउ कैन वी स्कैन एनी डॉक्यूमेंट, आइदर इज आइदर इट इज आधार कार्ड, एनी फोटोग्राफ, एनी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करो, बाकी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।